हेलो फ्रेंड्स, ये पीलू है और ये 10 साल का है। इसका पैर देखें, यहाँ पे हमने इसका सर्जरी किया है। देयर वाज ए बिग नो लिपोमा, बिग फैटी ग्रोथ वाज देयर, समथिंग लाइक ए बिग पोटैटो ग्रोथ वाज देयर, पोटैटो साइज ग्रोथ वाज देयर। तो इसका हमने सर्जरी किया है। अब ऊन काफ़ी भर गया है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको दिखा सकूँ कि छोटे मोटे ऊन घर पर आप ड्रेसिंग कैसे करें, उसको क्लीन कैसे करें और बैंडेज कैसे करें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप हमेशा ला नहीं पाते क्लिनिक में डॉग को, तो छोटे मोटे यू नो ड्रेसिंग्स आप घर पे भी करना आपको आना चाहिए। ये नॉर्मल सलाइन की बोतल है, सिंपल सा नॉर्मल सलाइन का बोतल है। नीचे आप कोई सा भी यू नो साफ बर्तन रखें, हमारे पास किडनी ट्रे है ओबियसली, इसको हम वॉश करेंगे नॉर्मल सलाइन से, अच्छे से घाव को वॉश करेंगे। वॉश करने का पर्पस ये है कि जो भी डेड टिश्यू है यहाँ से क्लियर हो जाए, और जो भी हल्का फुल्का जो पस फॉर्मेशन है, चूँकि बैंडेज किए इसको 2-3 दिन हो गए हैं, तो माइल्ड पस फॉर्मेशन इज देयर, तो वो क्लीन हो जाए। जितना क्लीन करेंगे हम नॉर्मल सलाइन से, उतना ऊन हीलिंग फास्ट होगा। अभी ऊन क्लीन हो गया, अभी ऊन स्टाइल ऊन हो गया फॉर नाउ। इसको दबा दो। अब इसमें हम बीटाडीन आइनमेंट लगाएंगे, बहुत थिन लेयर, ज़्यादा दवाई नहीं लगानी, थिन लेयर लगाना है। कभी भी ज़्यादा मेडिसिन ज़्यादा काम नहीं करता, इसलिए गलतफहमी ना पालें। अब हम बैंडेज लेंगे, एक लेयर बैंडेज का हम पहले डाल देंगे, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट कॉटन डाला तो कॉटन उसमें चिपक जाएगा, क्योंकि घाव से हमेशा सीरम डिस्चार्ज होता है। तो एक लेयर हम बैंडेज का करने के बाद ऊपर से इसमें कॉटन डालेंगे। इससे क्या होगा, दो फायदे हैं। एक तो कॉटन है जो घाव से नहीं चिपकेगा, और दूसरा क्या है कि ग्रिप बन जाती है तो बैंडेज आसानी से उतरेगा नहीं, क्योंकि पैर के साथ वो टाइट हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट कॉटन डालते हैं तो समटाइम क्या होता है, वो ढीला रह जाता है और बैंडेज फिसल के ना नीचे गिर सकता है। पूरे घाव को आपने कवर करना है। बहुत ज़्यादा मोटा बैंडेज करने की ज़रूरत नहीं है, डिपेंड करता है घाव से। अगर डिस्चार्ज ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कॉटन लें, अगर डिस्चार्ज कम है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉटन या बहुत ज़्यादा कैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये वुंड ऑलरेडी हील हो रहा है, ऑलमोस्ट 80% हील हो चुका है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर जस्ट हमारे पास पेपर टेप है, आप कोई सा भी एडहेसिव टेप यूज कर सकते हैं, आप किसी भी केमिस्ट की दुकान से आप ये परचेज कर सकते हैं, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। और आप इसका अच्छे से इसको कवर कर दें और ये बैंडेज इसका हो गया। अब 2 दिन के बाद इसका हम रिपीट